दीघ निकाय के सुत्ति की सक्का पन्ना सुत्त की पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि सक देवों के राजा हैं, वो तापतिम देव लोक पे राज करते हैं, उसके नीचे जातु महाराज का लोक। उनके मन में भाव जागता है कि वो भगवान से मिलने चले, तो वो ध्यान करते हैं कि भगवान इस समय कहाँ होंगे। भगवान राजगृह के निकट ही अंबसंडा गांव के पास में वैदिक पहाड़ के ऊपर इंद्रसाल गुफा के अंदर विहार कर रहे होते हैं। तो सक अपने पूरे देवगण और अपने साथ एक गंधर्व पंचशिख को लेकर वहां पर प्रकट होते हैं। जब ये इतने हजारों की संख्या में देवता वहां आते हैं जिनके शरीर में से चमक निकलती है, तो आसपास के गांव वालों को लगता है जैसे पहाड़ पे आग ही लग गई हो। वहां पे पहुंचने के बाद सक पंचशिख को आगे करते हैं, कहते हैं कि जाओ और किसी तरह भगवान का ध्यान आकर्षित करो, मुझे उचित नहीं लगता कि मैं जाकर उनको डिस्टर्ब करूं। जब वो इस तरीके से पंचशिख जाते हैं तो पंचशिख के पास एक बेल पेड़ के शाख की बनी हुई वीणा है जिसको वो लेके जाते हैं और गुफा के बाहर उसे बजाने लगते हैं और एक गीत गाने लगते हैं। गीत एक ऐसा गीत था जो उन्होंने प्रेम गीत कंपोज किया था कुछ समय पहले भद्दा नाम की एक गंधर्व कन्या पे से उनको राग था, तो वो एक काम राग से ही भरा हुआ गीत वहां पर गाते हैं और जिसके अंदर वो ऐसी भी बातें कहते हैं कि जिस प्रकार कोई अरहंत या साधक ध्यान का प्रयास करता है, जिस शिद्दत से उसी शिद्दत से मैं तुमको चाहता हूँ वगैरह। तो इससे हमने देखा कि कैसे काम किसी भी प्रकार के राग रंजित मन जो होता है वो किस वो अगर सतीमान नहीं हो, धर्म के अंदर स्थित नहीं हो, तो फिर वो कैसे मूर्खतापूर्ण एक्शंस भी कर सकता है, वो ही यहाँ पे पंचिक ने किया। लेकिन जब भगवान ने उनके साथ कॉन्वर्सेशन की तो उन्होंने उनके लिरिक्स पे कमेंट ना करके लय ताल पर ही कमेंट किया, और फिर उसके बाद इंद्र वहां आए, उन्होंने वहां पे उनको भगवान को नमस्कार किया, और उसके बाद उन दोनों के बीच में भगवान और सक के बीच में कुछ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुए, जहाँ पे भगवान ने पूछा कि कैसे एक बहुत ही बिजी राजा जो है वो कैसे उनका आना हुआ, जो हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि बिजीनेस किसी को भी हिट कर सकती है, तो समहाउ वन हैज टू मेक टाइम फॉर द राइट थिंग। और वही सक ने किया, क्योंकि उनके अंदर किसी कारण से धम्म संवेग जागा हुआ था, वो हम देखेंगे आज की वो क्या कारण था। श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो सक अब बता चुके हैं कि भगवान मैं आपसे पहले भी मिलने आया था, तब तो मिलना हो नहीं पाया था, पर अब उनके मन में एक विचार है। तो वो कहते हैं कि भगवान मैंने ऐसे सुना है, अपने पूर्वजों से सुना है, देवलोक के पूर्वजों से, कि जब धर्म चक्र चलता है, यथा तथागता लोके उपजन्ति अरहतो अरहंतो सम्मा संबुद्धा दिब्ब काया परिपूरेति आयन्ति असुर कायाति। इसका मतलब यह है कि जब धर्म चक्र चल पड़ता है, कोई सम्यक संबुद्ध होते हैं, तो जो ऊपर के लोग हैं उनके अंदर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, अचानक से बहुत से लोग वहां पे प्रकट होने लगते हैं, और जो नीचे के लोग होते हैं उनमें जनसंख्या कम हो जाती है। मैंने ऐसा सुना तो था, लेकिन अब मैंने ऐसा देखा भी है, रिसेंटली मैंने ऐसा देखा भी है। तो सक ये बात भगवान से कह रहे हैं, और ये काफी स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं तो लोग कुशल कर्म करने लगते हैं, यहाँ तक कि जो नीचे के लोगों के भी प्राणी होते हैं असुर वगैरह, वो भी कुशल कर्म उनके बढ़ जाते हैं और पैदा हो के वो या तो मनुष्य लोकों में या फिर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। और उसका रिवर्स होता है, जब धर्म चक्र जैसे जैसे उसका जो गति है मंद पड़ने लगती है, जितना जितना अकुशल बढ़ने लगता है उतना उतना फिर नीचे के लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इंद्र अब सक जो है वो इस समय एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि
मैंने ये देखा कि एक स्त्री थी, कपिल वस्तु में एक शाक्य स्त्री थी जिनका नाम की गोपिका था, और गोपिका जो थी उन्हें बुद्ध धम्म संघ के अंदर त्रिरत्न में काफी श्रद्धा थी और अपने शीलों को भी परिपुष्ट किया था। बुद्धे प्रसन्ना धम्मे प्रसन्ना संघे प्रसन्ना शीलेषु परिपूर्ण कारिणी। और किसी के अगर ये गुण होते हैं कि त्रिरत्न में पूर्ण श्रद्धा हो और शील भी परिपूर्ण की हो, तो कमेंट्रीज में कहा गया कि ये श्रोतापन्न होने के इनके इंडिकेटर्स हैं। सो मोस्ट लाइकली श्री वाज अ श्रोतापन्न। सा इतितं विरिजित्वा पुरुषित्तं भावित्वा। तो इन गोपिका के अंदर जो स्त्री भाव था वो समाप्त हो गया था, कहने का मतलब है कि उनका अपने शरीर के प्रति अटैचमेंट जो था वो खत्म हो गया था, और इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका अगला जन्म उनके कुशल कर्मों के वजह से ताप्तिम देवलोक के अंदर हुआ, और यहाँ पे ये एक पुरुष योनि के अंदर पैदा हुई। तो देवानंग तावत इंसानंग सहब्यतम अम्हाकं पुत्ततम। न सिर्फ वो एक पुरुष के रूप में पैदा हुई बल्कि वो सक के ही पुत्र के रूप के अंदर पैदा हुई, और अब इनका नाम गोपको हो गया, तो गोपको देवपुत्तो के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। इस वास में हमने कई बार ये चर्चा की है कि जो लोग श्रोतापन्न हो जाते हैं और ऊपर के जो एडवांस स्टेजेस में हो जाते हैं वो क्या पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, देवलोक में वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक श्रोतापन्न है जो कि देवलोक में ताप्तिम देवलोक में पैदा हुई हैं गोपक के नाम से। उसी समय जिस समय गोपिका एक ह्यूमन थी उस समय वहां पे 3 भिक्षु भी थे जो कि भगवान की शिक्षा को पे चलने का प्रयास कर रहे थे और उनकी शिक्षा को सुनते भी थे, संघ का पाठ थे। लेकिन ये तीनों जो थे वो गंधर्व बनकर पैदा हुए अब अपने अगले जन्म में। तो अन्येपि भन्ते तयो भिक्खु भगवंती भगवती ब्रह्मचर्यं चरित्वा हीनं गंधर्व कायं उत्पन्न। देखिए नीचे के रेल में कहा तो गोपक जो थी, गोपिका जो थी, वो तावतिम देवलोक के अंदर पैदा हुई, और ये जो थे वो गंधर्व काया में पैदा हुए। ऐसा क्यों हुआ? अपने कर्म के अनुसार, हालांकि वो भिक्षु थे और उन्होंने कुशल कर्म भी किया, धर्म का प्रयास भी किया, लेकिन उनकी जो सेंशुअल डिजायर्स थे वो खत्म नहीं हुए थे। तो ते पंचे ही काम गुणे ही संपत्तिता समंगी भूता परिचारये माना अम्भाकं उपठानं आगच्छन्ति अम्भाकं परिचार परिचर्यम्। तो अपने 5 काइंड्स ऑफ सेंशुअल स्टिमुलेशंस में वो इंडल्ज रहे या उनका माइंड इंडल्ज रहा, और अल्टीमेटली फिर वो गोपक के ही अटेंडेंस के रूप के अंदर पैदा हुए। तो इस बात से जैसे कि हम जानते हैं कि जब लोग देवलोक के अंदर जाते हैं तो उन्हें पिछले कम से कम एक जन्म की जो मेमोरी है वो होती है। तो जब गोपक ने इन तीनों गंधर्वों को देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि मैं तो एक स्त्री थी और मैं एक स्त्री थी और ले वुमेन थी, मैं तो एक हायर स्टेट में पैदा हुई हूँ, और ये जो भगवान के श्रावक थे जिनकी मैं सेवा किया करती थी, उनको देखो कि अब ये मेरे सेवक बन के पैदा हुए हैं। तो वो उनको काफी लताड़ती है। तो इसको हम पढ़ते हैं, उपासिका चक्खु मतो अहोसी। मैं तो चक्खु मतो यानी कि भगवान बुद्ध की मैं उपासक थी या ले डिसाइपल थी, नामम्पि मह्यं अहु गोपिका थी, मेरा नाम गोपिका था। बुद्धे च धम्मे च अभि संपन्ना संग पट्टासी प्रसन्न चित्ता। मैंने त्रिरत्न की सेवा की यानी कि अपने जो धर्म का व्यवहार था उसको पूर्ण निष्ठा के साथ मैंने किया। तस्य बुद्धस्य सुधम्मताय बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ द बुद्धास टीचिंग। वो ये नहीं कह रही कि मैं उनके संपर्क में आई तो उतना सफिशियंट था, बट एक्चुअली रियली प्रैक्टिस वेल,
सक सब उत्तम ही महानुभाव, इन सब वजह से अब मैं सक के पुत्र के रूप में पैदा हुई हूँ। महाज्युति को तिविदुपन्नो जानन्ति मम इदापि गोपकोति। अब मैं तावतिम देवलोक के अंदर पैदा हुई हूँ और मुझे गोपक के नाम से जाना जाता है। अथ दसम भिक्खवो दिट्ठ पुब्बे, जिन भिक्षुओं को मैंने पहले देखा था मनुष्य योनि के अंदर देखा था, अब उनको मैं देख रही हूँ गंधर्व कायु पगते वसीने, कि ये तो गंधर्व बन के पैदा हो गए, ये तो गाना बजाना कर रहे हैं। इमे ही ते गौतम सावका से ये च मह्यं पुब्बे मनुष्य भूता। तो कहाँ तो ये भगवान के श्रावक थे और कहाँ ये अब किस किस स्थिति में आ गए, ये देख के उन्हें बहुत ही खराब लगा। अन्येन पानेन उपट्ट हिमा, मैं इनकी सेवा किया करती थी, इनको भोजन दान दिया करती थी, अपने घर में बुलाकर भी इनको मैंने भोजन दान दिया, इनकी सेवा करी। पादु संयम सके निवेशने कुतो मुखा नाम इमे भवंतु। इन लोगों का ध्यान कहाँ था जब भगवान की का धर्म चर्चा चला करती थी। बुद्धस्य धम्मानि पटिग्गहेषु, तो इधर उधर कहाँ देखा करते थे। ऐसा होता है ना जब हम किसी धम्म सेशन में बैठे भी हैं बट माइंडलेस है, और माइंड इज प्रोलिफरेटिंग इन सम यू नो थॉट्स अबाउट सम ऑफ द अदर सम ऑफ द अदर सेंशुअल फुलफिलमेंट्स। तो उसी प्रकार से इनका भी ध्यान था कहाँ पे। पच्चतम वेदितव्यो इदम्। अब ये इतनी समझदार थी एज ए ह्यूमन ऑल्सो एंड नाउ ऑफ कोर्स, कि धर्म वो जानती है कि धर्म जो है वो सिर्फ सुन के करने वाली चीज नहीं है, तो अपने आप को प्रैक्टिस पे डाल के करने वाली चीज है। तो सुदे से तो चक्खुम मतानुबुद्धु, जो कि भगवान ने इतने अच्छे से समझाया हुआ है। अहियई तुवेव उपास मानो, मैं तो तुमको फॉलो कर रही थी। सुतवान अरियान सुभाषितान, और भगवान की शिक्षा को सुन के मैं तो तुमको फॉलो करने की, यानी कि भिक्षुओं को देखकर व्यक्ति इंस्पायर होता है, या जो कोई धर्म को प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको देख के इंस्पायर होता है, तो उस इंस्पिरेशन के बेसिस पे इन्होंने खुद की प्रैक्टिस को किया था। सो शी इज क्वाइट क्वाइट अलार्म टू सी देम एज गंधर्वास। कस्य पुत्तोमि महानुभावो महाज्युति को त्रिविदुपन्नो, तुम्हें पन सेठमुपास माना अनुत्तरम ब्रह्मचर्यम चरित्वा। और अब तुम देखो कि मैं तो तापतिम देवलोक में देव पुत्र के रूप में हूँ, लेकिन तुमने जिनने उन्हें कि भगवान बुद्ध को फॉलो किया था, अब तुम अपनी हालत देखो कि तुम मेरे अनुचर बन के पैदा हुए हो। तो इनको लताड़ रही है सो दैट उनको जगा सके, दैट इज हर इंटेंशन। हर इंटेंशन इज नॉट टू से कि मैं तुमसे महान हूँ, बिकॉज शी इज ऑलरेडी अ श्रोतापन्ना ऑल्सो, बट हर इंटेंशन इज मोर टू अवेकन देम, हेल्प देम कम बैक टू सेंसेस। जैसे कल सर बता रहे थे कि गंधर्व योनि जो है वो, गंधर्व लोक जो है वो, उसमें व्यक्ति तब पैदा होता है जब बहुत ही ज्यादा उसकी सेंशुअल कामासक्ति उसके अंदर हो, एंड इवन इन दैट रेल्म दे आर फुल ऑफ दैट क्वाइट अ लॉट। सो हर इंटेंट इज टू रियली शेक द थ्री ऑफ देम अप। इति उत्वा स्वज पुंभूमि देवो दिव्ये ही कामे ही समंगे भूतो। तो अब तो मैं पुरुष बन गई हूँ, और यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि उनकी जो अगेन फीमेल फेमिनिटी के साथ अटैचमेंट थी वो छूट गई थी। इट्स ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द थिंग दैट यू नो इवन विमेन कैन कैन बिकम श्रोतापन्न एंड मुक्त हो सकती हैं। तो अभी अगले जन्म में तो उनका प्रीवियस के मेंटल स्टेट्स की वजह से एज अ मेल पैदा हुई हैं, बट शी इज ऑल्सो बॉर्न इन अ हेवनरी हेवनली रेल। जब इतनी ये झाड़ पड़ी इन लोगों को तो फिर क्या हुआ वो देखते हैं। तो धम्म संवेग तो जागा, तो ते चोदिता गौतम सावकेन संवेगा संवेगमा पादु समेच गोपकम। तो इस प्रकार गोपक से इतना सुनने के बाद उनके अंदर उनकी मेमोरी जाग गई,
और उन्होंने सोचा हंद व्यायाम व्यायाम मानो पयंग परपेसा अमुमा। तो अब हम दूसरों को और सर्व नहीं करेंगे बल्कि अपना टाइम जो है अब हम अपनी ही सेवा के अंदर लगाएंगे। कहने का मतलब है कि वी विल स्ट्राइव टुवर्ड्स आवर ओन लिबरेशन। ते संग दुवे वीर्यम वीर्यमार भिंसु। तो उन्होंने अपनी जो वीर्य था उसको जगाया अनुसरंग होतम सासनापि। तो उन्होंने अब जो भगवान की शिक्षा को जिसको उन्होंने पिछले जन्म में नहीं फॉलो किया था उसको उन्होंने अब पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे डाल दिया। लेकिन ये जो किया ये सिर्फ तीन में से दो ने ही किया, तो इट इज ते संग दुवे, सिर्फ दो ने ही ऐसा किया। जिन दो ने ऐसा किया उनके साथ क्या हुआ? राइट अवे दे बिकेम डिस्पैशनेट। तो उन्होंने धम्म को सुना हुआ था, उनके पास नॉलेज तो थी, इंफॉर्मेशन तो थी, प्रैक्टिस में करने की बात थी, तो पूरी तरीके से अपने जी जान लगा के उन्होंने अपने सत्य का दर्शन करना शुरू कर दिया। तो इधे विचित्तानि विराजयित्वा कावेसु आदिनव आदिम आदिनव मद्दसत्सु। उन्होंने जो आदिनव है जो अब तक वो देख नहीं पा रहे थे काम आसक्ति के प्रति, उसको वो देख पाए और उनका जो चित्त है विरज हो गया यानी कि डिस्पैशनेट हो गया। ते काम संयोजन बंधनानि पापम योगानि दुरच्यानि। और उन्होंने अपने जो डिजायर्स के संयोजन थे जो उपादान थे उनको तोड़ दिया। उसी तरीके से जैसे कोई एलिफेंट है कोई आती है अपने जंजीर को जो तोड़ ले। नागो वसन्नानि गुणानि छेत्वा तेवे तावत इनसे अतिक्रमिंसु। और उन्होंने इतना कर लिया इन दो ने, सिर्फ दो की बात हो रही है, कि अब उनके जो मेंटल स्टेट थी वो तावतिम देवलोक को भी पार कर गई। यानी कि नाउ देव दे एक्चुअली इफ देवर टू डाई एंड दे विल डाई तो देव दे एक्चुअली गोइंग टू बी रिबॉर्न इन अ इवन हायर रेल। सो दैट इज अबाउट दीज टू, कहाँ तो वो गंधर्व थे और अब कहाँ ये ब्रह्म पुरोहित रैम के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। नाउ जस्ट टू रिमेम्बर अगेन ब्रिंगिंग अस बैक दैट वे वी स्टार्टेड फ्रॉम, वी सेड दैट सब कुछ जो है भगवान बुद्ध से मिलने आए हुए हैं उनको कहते हैं भगवान। मैंने ऐसा सुना भी था और देखा भी है कि धर्म चक्र के काल के अंदर देवलोक के अंदर अधिक लोग पैदा होने लगते हैं। और मैंने देखा कैसे, मैंने ये गोपिका को देखा है जो पहले तो मनुष्य बन के पैदा हुई थी स्त्री रूप में, लेकिन अब वो देवलोक के अंदर आ गई है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि ये जो दो थे जो कि गंधर्व थे वो अब ऊपर के रेल में चले गए हैं। सो अपॉन डेथ टू ऑफ देम वर रीबॉर्न इन द रेल ऑफ ब्रह्म पुरोहित, बट वन गॉड जो एक जो था वो अपनी आसक्ति को छोड़ ही नहीं पाया, वो आदिनव देख ही नहीं पाया तो वो गंधर्व ही रह गया। तो जब ये दो जो थे ये ब्रह्म पुरोहित रेल में गए अपनी पुरानी स्टेट को छोड़ के, तो जब इनका ये जाना हो रहा था तब एक्चुअली सक जो थे और भी लोग जो थे वो तावतिम देवलोक में उनको लिटरली फिजिक ऑलमोस्ट देख रहे थे जाते हुए। दे ऑलमोस्ट दे सॉ देम फ्लाइंग फ्रॉम वन रेल टू दी अदर एंड ऑब्वियसली दैट वॉज डन बिकॉज दे हैड गॉन बियॉन्ड द स्टेट ऑफ डिजायर्स। तो अब ये कहाँ पे पहुंचे? पहले ये काम भूमि के अंदर थे जब ये काम आ सकते, ये यहाँ पे देव गंधर्व योनि के अंदर थे, और फिर इन्होंने स्ट्रेट अवे जंप लगा के ये पूछे रूप भूमि के अंदर विच इज द प्लेन ऑफ फाइन मटीरियल वर्ल्ड एंड दे वर रीबॉर्न एज ब्रह्म पुरोहित सो द मिनिस्टर्स ऑफ ब्रह्मा। सो नाउ सक इज क्वाइट इनामर टू सी कि कहाँ तो ये हमारे लोक में थे और अब कहाँ मेरे को और हमारे हमको सर्व कर रहे थे और अब देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इतना इनका प्रमोशन कैसे हो गया। सो दैट एक्चुअली क्वाइट शुक हिम अप। सो व्हेन ही सॉ देम दैट दे ब्रोक अवे देयर पैशंस एंड ऑल ते संग निस्सिन्नानं अभिक्रमिंसु वीरा विरागा विरजम करुणता। सो
ये तीनों जो ये दो जो थे ये दे लिटरली पास ओवर एवरीबडी एल्स। कैसे? उन्होंने वीरता के साथ अपना विराग विराग में वो गए, विरज हुए, यानी कि जो भी उनकी इम्प्योरिटीज थी उसको छोड़ के वीरे के साथ उन्होंने उनका चित्त जो था वो प्योर हो गया। और उनको देखकर ते दिसवा संवेगम का संवेगम कासी वासवो, वासव जो है वासव यानी सक, उनके अंदर धर्म संवेग जाग गया। उन्होंने कहा कि इमे ही ते हीन कायु पन्ना तेवे तावत इनसे अभिक्रमंती, कि ये देखो ये नीचे हमसे जो हीन थे गंधर्व वो अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब इतनी सारी घटना हुई तो फिर गोपक ने जो कि वासव के सक के पुत्र हैं उन्होंने अपने पिता को कहा कि याद दिलाया कि ये जो धर्म संवेग जागा, देखा कि ये नीचे से ऊपर पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, मैं भी ऐसा क्या कर लूं कि मैं भी कोई ऐसी स्थिति प्राप्त कर लूं। तब गोपक ने वासव को मौका देखकर कहा कि इस संसार में भगवान बुद्ध हैं और तो उनके होने की इस अवसर को यूज किया जा सकता है। इनके जो ये पुत्र थे गंधर्व पुत्र यानी कि जो पहले की संघ का ही पार्ट थे वो अपनी उनको बुलावा हो गया था, असतीमान हो गए थे, लेकिन अब मैंने उनको फटकार लगाई है तो उनको वापस से अपनी सती उनकी जाग गई है और उन्होंने प्रैक्टिस भी किया और प्रैक्टिस होके ये वहां तक पहुंचे जहां तक कि वो प्रैक्टिस कर पाए। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि वो पूरी तरह मुक्त हो जाते, अनंत हो जाते, लेकिन जितनी उनकी प्रैक्टिस थी, जितना जीवन काल था, उसके अकॉर्डिंग उनको जितना वो समझ पाए तो वो ब्रह्म पुरोहित तक तो पहुंच गए। तो ये सब कहते हुए फिर सक ने भगवान से कहा कि भगवान क्योंकि आप हैं, गोपक ने इन्हें कहा भी है, और आपकी दी हुई समझ से व्यक्ति को मैंने मुक्त होते या हायर रेल में जाते हुए देखा है, तो मैं भी उसी धम्म को सुनने समझने के लिए आया हूँ। अगर भगवान मुझे अनुमति दें तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अब एक बात ये भी आती है कि सर के साथ डिस्कशन हो रही थी तो एक बात ये भी आई कि सक को शायद ये भी आभास है कि वो जल्दी ही उनकी मृत्यु भी होने वाली है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनका धर्म संवेग का। एक्चुअली इसी सूत्र के अंदर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, एंड ही इज रीबॉर्न ऑल्सो। सो यू नो व्यक्ति जब अपनी मौत के निकट होता है तो भी वो चाहता है कि कैसे अपना कल्याण कर ले। तो इन्होंने परमिशन मांगी कि क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। तो भगवान ने सोचा कि ये जो सक है ये वैसे तो ये काफी इन्होंने एक धर्म संगत जीवन जिया है, तो इसलिए अगर ये कोई सवाल पूछेगा तो उल्टे सीधे सवाल तो नहीं पूछेगा, कुछ काम का ही पूछेगा और उसमें हितकर ही होगा, जिससे उसको उसके लिए भी मुक्ति में सहायक होगा और जल्दी से ये समझ भी जाएगा, काफी समझदार व्यक्ति है। तो ये सब सोचते हुए भगवान ने उनको अनुमति दे दी अपना प्रश्न पूछने की। नाउ विद दैट वी कम टू अ क्लोज फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। हाउएवर अगर लगता है कि हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो वी कैन, और वी कैन जस्ट सिट क्वाइटली और आस्क द क्वेश्चंस एनीथिंग। जी राजेंद्र जी, दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दी है। मेरी समझ कम है या मन में एक भाव है जिसकी वजह से मैं कुछ संतुष्ट नहीं हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन है, मतलब प्रेजेंटेशन में कमी नहीं है, बट जो मटेरियल है
जो कहा जा रहा है उसके प्रति मेरा भाव बहुत अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव जाग रहा है। जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसा इसमें दर्शाया जा रहा है कि फीमेल रेलम इज लोअर, आई मीन फीमेल बर्थ इज लोअर देन द मेल बर्थ, कि वो हायर रेल में जाकर के पुरुष, स्त्री अगर पुरुष बन जाती है तो इस तरह का भाव है जिसमें से मेरे को समझ में आ रहा है, विच आई फील नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो ये मेरी समझ सही है या गलत है, मुझे इसके बारे में मार्गदर्शन चाहिए। और दूसरा ये कि जो कि वो वहां पर जो है गंधर्व, दे आर इंडल्जिंग इन म्यूजिक एंड दैट्स व्हाट आई फील, जो उनके जो भिक्षु थे और वो अपर रेल में अब म्यूजिशियंस बन गए हैं और दे आर बीइंग ट्रीटेड एज दे हैव बीन दे हैव रिड्यूस्ड द लोअर फंक्शन एज कंपेयर टू। तो ये दोनों जो बातें इससे निकल के आ रही हैं, ये मेरी समझ शायद कम हो सकती है जिसकी समझे ऐसा आभास हो, लेकिन ये कुछ इसमें आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट, सो आई जस्ट वॉन्टेड इफ यू कैन क्लियर माई, बिकॉज यू हैव स्टडीड इट फुली। हो सकता है कि मैं सुपरफिशियल समझ रहा हूँ इसको, वुड लाइक यू टू एड्रेस दिस। थैंक यू। या श्योर, थैंक यू। सो मुझे जितना समझ में आया है मैं वो बोल लेती हूँ, एंड देन मे बी अदर्स कैन ऑल्सो चाइम इन। आई थिंक द थिंग अबाउट द फेमिनिटी इज नॉट सो मच इंडिकेटिव ऑफ, एटलीस्ट इन माई माइंड ऑफ दैट, कि स्त्री होना कोई कम स्थिति थी। इट्स फॉर मी द हाईलाइट वॉज कि उनका जो अपनी बॉडी से किसी भी प्रकार का अटैचमेंट था वो छूट गया था, एंड देयरफॉर बिकॉज उसका कब कोई कारण नहीं रहा उसका फेमिनिन बॉडी में वापस रीबॉर्न होने का, सो व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हर वाज टू बी बॉर्न इन अनदर फॉर्म व्हिच मेक्स इट अ मेल फॉर्म फॉर हर। इसी प्रकार वो मनुष्य भी बन के पैदा नहीं, क्योंकि उनके पास वो जो उनके कारण थे वो समाप्त हो गए। कारण नहीं है तो परिणाम भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड नॉट सो मच दैट यू नो दैट इट इज एन एलिवेशन। आई डोंट थिंक द जेंडर चेंज वॉज एन एलिवेशन। द एलिवेशन रियली वॉज दैट फ्रॉम अ ह्यूमन रेल्म शी वॉज बॉर्न टू द देवा रेल्म। दिस एंड मोर सो नॉट जस्ट इन द देवा रेल्म बट एज द यू नो एज द सन ऑफ द किंग। सो दैट That's quite an elevation in that sense. Then the second thing, maybe actually I should take a pause. अगर सर कुछ इसमें ऐड करना चाहें, and if that helps Rajinder जी। No, that's fine. It's nothing more to add. Then to the second thing regarding the music and also again the emphasis really is that Gandharvas are beings that have a strong सेंशुअल डिजायर्स। अब सेंशुअल डिजायर की रेल में तो पूरी मनुष्य लोक से लेके ऊपर कुछ देव लोकों तक पूरी सेंशुअल डिजायर की रेल में, सो वन कुड बी बॉर्न इन जस्ट इन अबाउट एनी ऑफ दोज। बट बिकॉज दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ गुड कर्मा बिहाइंड देम, सो देयरफॉर दे फाउंड अ प्लेस नॉट इन द मनुष्य रेल बट इन द देवा रेल। नाउ विद इन दैट इफ समबडी इज अ गंधर्व, नाउ दैट इज अबाउट देयर मेंटल इंक्लिनेशन ऑल्सो यू नो। आई मीन सिर्फ यहाँ पे म्यूजिक को आई डोंट थिंक वी शुड सिंगल आउट, इट इज द एम्फेसिस मोर ऑन द इंटरेस्ट इन सेंचुअलिटी एंड सेंचुअल प्लेजर्स, एंड विद दैट इट गेट्स कपल्ड विद सर्टन स्किल्स ऑफ यू नो वेदर दैट्स प्लेइंग म्यूजिक और डांसिंग और एनी अदर आर्ट फॉर्म। सो अगेन दैट इज माई टेक ऑन इट। Does that help, Rajinder ji? Do you have any other comment? I will have to go to You it know. again, maybe.
आंसर तो आपने ठीक दिया, बिल्कुल यू गिव ए ब्रीफ एंड क्रिस्प आंसर, बिकॉज दी सुत्ता इटसेल्फ मेंशंस ना दैट दे वर गिवन टू एक्सट्रे, उनको जो काम तृष्णा है वो बहुत स्ट्रांग थी, तो काम तृष्णा के रहते हुए और अच्छे कर्मों के साथ, जो अच्छे कर्म भी हैं वो आपको ऊपर के रेल में ले जा रहे हैं, काम तृष्णा है वो आपको उससे एक लिमिट डाल देते हैं कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। जैसे पंच शिखा के केस में भी हमने समझ देखा कि वो काम तृष्णा कैसी उसकी थी और किस तरह का गीत वो भगवान के सामने गाता है, उस दैट इज द रीजन दैट इज बॉर्न इन दैट रेल्म। एज यू ड्रॉप द काम तन्हा यू गो हायर एंड हायर रेल्म्स विद इन द देवा रेल्म एंड देन यू जंप द फर्स्ट झाना, सो यू गोज इन टू द फर्स्ट झाना रेल्म, ब्रह्म रेल्म्स, एंड देन उसमें भी डिपेंडिंग ऑन व्हिच रेल्म व्हिच झाना ही इज एबल टू प्रैक्टिस to complete a control, then he'll go to higher and higher realms. That is the cosmology of the Buddhist cosmology. So that's the way it is. It has nothing to do with the particular occupation or something. It has to do with the mental states. Being born as a man is a, I mean, it's considered to be better than being born as a woman. So my India takes it. क्या क्या प्रश्न क्या है? नहीं मतलब मेरा तो यही बेसिक प्रश्न यही है ना कि अब जैसे कहा जा रहा है कि यदि उन्होंने तपस्या अच्छी की वो दूसरे जन्म में पुरुष बने, महिला से पुरुष बने, नहीं तो ऐसा मान के चले। नहीं आप भी आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, वो पहले ही पृथ्वी लोग तो यही कहा जा रहा है, पृथ्वी तो लोग यही कहा जा रहा है। नहीं नहीं ये तो दिस योर संज्ञा कह रही है आपकी, इज नॉट दैट्स नॉट करेक्ट वट इज सेड, अगर आप पढ़े ना उसमें लिखे ना पृथ्वी लोक में हुई जब वो जन शी वॉज ह्यूमन बींग देन इट सेल्फ शी हैड लॉस्ट अटैचमेंट टू हर फैमिलिटी, दैट्स वट इज सेड, सो वी डोंट नीड टू गेट कॉट अप इन दिस जेंडर ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, देयर इज नो रीजन टू गेट कॉट अप, आई थिंक इट इज अवर ओन संज्ञा विच इज इंटरप्रेटिंग इट इन दिस मैनर, ऐसा कुछ नहीं। That at least my son doesn't interpret it in that manner. So basically, we should interpret it as sankhar pachyagnya. Yeah. जिस तरह के संखार थे, उस तरह की consciousness में वो transform हुए. Yeah, he's probably referring to the nature of the body which is formed. And there are certain reasons why a person is born as a woman and why a person is born as a man. So we can see that if you see Isidasi's story, other way around happens. In one of her realms, she is an extremely handsome man and she does unwholesome activity. And then because she does unwholesome activity towards women, that man is born as a woman so that he can face the consequences of that action. So the it's basically the kind of as Surendra Prasad ji has mentioned, what is the dominant sankharas which are operating, so they determine what will be the nature of body, nature of mind which will arise, because it's a constantly changing process. So we don't have to give hierarchy between genders, at least in this case. Of course, there is a mention somewhere else about only a man becoming a Buddha. No, that's what Buddha has mentioned. So we can keep on debating about it. But the point is, therefore, that is trying to say that yeah, society, that is the way our society, Indian society is, yeah, you can the way the bias towards female is, ये जो शुरू से चल रहा है और आज भी है और अनादि काल से था कि वुमेन के अगेंस्ट में बायस है और वो ही दर्शाता है ये सारी चीज।
पर आज भी है वो बायस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये आप इसको बायस कह सकते हैं या नेचर कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन वो हाउ यू इंटरप्रेटेड। आई हैव नो कमेंट टू मेक ऑन दैट रियली, बट द फैक्ट इज दैट वुमेन बिकेम अर्हंस आल्सो, सो दैट्स नॉट द इशू। इन बुद्धास टाइम इटसेल्फ दे बिकेम अर्हंस एंड वी हैव लर्नड उनके टीचिंग्स फ्रॉम देम हैव बीन सो प्रोफाउंड एंड वी हैव बर्न फ्रॉम इट नाउ। You can always have come. Buddha is often accused of being a misogynist. So we can also do that. There's no problem. Misogynist कह सकते हैं, is a misogynist. He distinguishes between women and men. Okay. For me, he's just explaining the law of nature. That's all. That's nothing. Whether it is biased, it appears biased to me is my problem, not to his. If a person describes this is the nature of this being, I don't see any bias in it. It is my mind which is interpreting it as a bias. He is superior, this is inferior. That's my problem. That's the way I interpret. Of course, it may be wrong. I mean, everybody is free to interpret it. And depending on one's, but one must see, this also is a sanya. And sanya is a mirage, so we must remember that. True. Those such things will catch or grip us in so strongly that hamari sadhana hi chhut jayegi. If we hold on to such strong perceptions, hamari sadhana kafi impaired ho jayegi. So we just let it be. This is the teaching of the Buddha and that's it. And in this case, at least there's no such distinction. And there's a clear indication in discussion between Ananda and Buddha happens on admitting woman. Very clearly, he mentions what is the reason why he is reticent in admitting them is mentioned clearly, because there will be problems when women and men live together. When non-Arya women and men live together, there is always a problem likely to be because of the sensual desires, and that's why he wanted to keep them away so that the Sangha can progress. But then the Ananda was able to convince him that this is not appropriate, and he changed, and he told him that the result of it will be this. Now it's not because he's misogynist that he's saying result of this will be that the Dhamma will last 500 years instead of 1,000. He's just telling the fifth. He's factually giving a factual statement. और ऑफ कोर्स ये शिक्षा तो है ही, आगे और भी शायद आएगा, लेकिन आपने कैसे उसको रिलेट किया जैसे स्टोरी पार्ट्स जो हमारे बियॉन्ड एक्सेस रेल्म्स है उनके उनको लेकर? या एटलीस्ट इन दो स्टोरीज में मुझे कुछ इम्प्लिसिट लेसन्स लगे. ऑफ कोर्स अब नेक्स्ट सेशन से जो हम करेंगे वो तो फिर एक्सप्लिसिट ही हो जाएगा. वहां तो सबको क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं भगवान से, एंड देन वील गेट इट टू कंडीशनैलिटी एंड व्हाट नॉट. बट इन दीज टू डेज जो हमने स्टोरीज सुने, मुझे अपने लिए जो बहुत सी कई बातें लगी. एक तो बात जैसे आज थी कि वो भिक्षुओं को कह रही है कुतो मुखो, तुम्हारा ध्यान किधर था. एंड एक्चुअली इन द अभी रिफ्लेक्शन पीरियड दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि मेरा ध्यान कहाँ होता है, यू नो हाउ मच एम आई giving myself to the practice, not just informal but informal times also. Like सुनने को तो मिल रहा है, इतना discussions हो रहे हैं, but कितना उसे apply कर रहे हैं, and compare it to anybody who's actually doing it, तो आप उनकी progress देखते हो, rapid progress. So that is one example. Then the other, even the lady Gopika is very inspiring for me, that somehow she was a lay woman. And you know she was मतलब हम कहते हैं ना कि ये गृहस्थ कैसे कर पाएगा, बार बार हमारे बीच में भी ये सवाल उठता है कि गृहस्थ के लिए मुश्किल है. तो उसने गृहस्थ होके भी भिक्षुओं से बढ़ के प्रैक्टिस की और मेड थिंग्स पॉसिबल फॉर हर सेल्फ. एंड देन शी ऑल्सो हैड द नॉट ओनली दैट इन द नेक्स्ट लाइफ देन शी टेक्स अपॉन हर सेल्फ कि भाई ये जो मेरे साथी थे ये पीछे ना छूट जाए. सो शी इज रियली ट्राइंग एंड हेल्पिंग देम अवेकन.
सो दैट्स अनदर थिंग दैट इंस्पायर्स. एंड यू नो जैसे हम इसी दासी की स्टोरी को बार बार याद करते हैं, कुछ घटनाएं आपके साथ रह जाती हैं, यू नो, एंड दे हेल्प यू एट द राइट टाइम. सो पोटेंशियली दिस इज वन ऑफ दोज. ये दूसरा हुआ. फिर तीसरा शक की जो बात है, दैट यू नो आई मीन ही हैज द एवरी थिंग इन द वर्ल्ड पॉसिबल. मतलब वो राजा है और वो भी हेवनरी रैंक का, व्हाट व्हाट डज ही डजंट हैव. एंड दैट बीइंग सेड, एंड ही हैज एक्सेस टू द बुद्धा, फिर भी उसके पास टाइम नहीं है कि मैं आके इनसे बात कर सकूं. ही कुड हैव एक्चुअली गॉटन लिबरेटेड मच अर्लियर, बट ही मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी. तो अगेन दैट इज टेलिंग ऑफ समथिंग, कि वो ये कुतो मुखो वाली बात हो गई कि तुम्हारे सामने सब कुछ है फिर भी तुम उसे एक्सेस नहीं कर रहे हो. सो दैट्स अनदर थिंग, यू नो. एंड ऑफ कोर्स दैट बीइंग सेड, दैट्स वन एक्सट्रीम. द अदर एक्सट्रीम इज दैट यस देयर इज बिजीनेस, यस देयर आर वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो लेट्स ट्राई एंड मेक द बेस्ट एज मच एज वी कैन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ अस. दोज आर द फ्यू थिंग्स दैट कम टू माइंड. थैंक यू वेरी मच. मेरी एक दो छोटी छोटी कमेंट्स हैं। एक तो मैं भारती जी से बिल्कुल